Hello everyone, welcome back to my channel Let's Talk, Let's Learn. Feeling relaxed as the term 1 CBSE exams are over और 10th और 12th के students eagerly अपने result का भी wait कर रहे होंगे. तो CBSE January में result announce करेगा and most probably in 3rd week. इस बार क्योंकि ये terminal exams थे तो result pass, fail या compartment category में किसी student को declare नहीं किया जाएगा. Only marks will be shown. आपको सिर्फ स्कोर कार्ड मिलेगा. हर सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं सिर्फ यही डिस्प्ले किया जाएगा. 50 मार्क्स होंगे हर सब्जेक्ट के, जिसमें वेटेज रहा है आपका थ्योरी के एग्जाम्स का जो कि ऑफलाइन मोड में हुए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप हुए थे, एंड साथ ही उसमें ऐड होंगे इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल, जो भी जिस सब्जेक्ट में एप्लीकेबल था. तो दोनों को मिलाकर के 50 मार्क्स में से आपको मार्क्स अलॉटेड होंगे. रेस्ट ऑफ द 50 मार्क्स आपको पता है कि वो सेकेंड टर्म यानी फाइनल एग्जाम जब होंगे मार्च या अप्रैल में, तो उन दोनों के बेसिस पर फाइनल रिजल्ट बनेगा. अब वो एग्जाम सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन होंगे, ये सारी चीजें सिचुएशंस पर डिपेंड करती हैं. बट जिन बच्चों ने इस बार एग्जाम दिए हैं उन्हें 50 में से अपने स्कोर किए गए मार्क्स देखने को मिलेंगे. जो स्टूडेंट्स किसी इमरजेंसी बेसिस पर, मेडिकल बेसिस पर एब्सेंट हुए, उनका रिजल्ट किस तरह से आएगा ये चीज अभी तक यही पता चली है कि वो एब्सेंट ही शो होंगे. उनके लिए अभी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि वो रीअपियर हो या एग्जाम उनके लिए दोबारा कंडक्ट किए जाएं या उन्हें किस तरह से मार्क्स अलॉट किए जाएंगे. बट यही अभी तक हम लोगों को यही इंफॉर्मेशन है कि वो एब्सेंट ही शो होंगे. और उनका फाइनली रिजल्ट कैसे बनेगा इस बारे में कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है. कैसे मॉडरेशन होगा, इंटरनल असेसमेंट या फाइनल जो स्कोर्स होंगे उनके बेसिस पर उनका रिजल्ट बनाया जाएगा. तो ये सारी चीजें अभी फ्यूचर में सीबीएसई इनके बारे में कुछ इशू करेगी, कुछ नोटिफिकेशंस लेकर आएगी कि उन स्टूडेंट्स का क्या होगा. बट अभी फिलहाल उनके लिए रीअपियर होने का कोई प्रोविजन नहीं है और ना ही कोई स्टूडेंट पास, फेल या कंपार्टमेंट कैटेगरी में आएगा. सिर्फ आपको मार्क्स ही पता चलेंगे और उनके आप प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंस. जब भी रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा तो आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे. तीन साइट्स हैं, cbse.nic.in, cbse.gov.in और तीसरी है cbse.results.nic.in. इन तीनों साइट्स पर आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के लिए आपको जरूरत होगी अपने रोल नंबर की, तो उसे संभाल कर रखिएगा. सेकेंडली आपको अपना स्कूल का नंबर चाहिए होगा, स्कूल का कोड चाहिए होगा, ये आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा. एंड द थर्ड थिंग, डेट ऑफ बर्थ. तो इन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी लॉगिन करने के लिए एंड देन आप अपना स्कोर कार्ड फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन का देख पाएंगे. इन साइट्स के अलावा दो एप्स भी हैं, डिजी लॉकर एंड डिजी रिजल्ट्स करके, उन पर भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं. एंड एज द न्यू ईयर इज अप्रोचिंग, बहुत फेस्टिव मोड है, बट अपनी हेल्थ को ध्यान रखते हुए जो केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, न्यू वेरिएंट के या जितनी भी तरह के ये डिजीजेस हैं, इनसे अपना बचाव रखिएगा. किसी भी तरह की पार्टीज या गैदरिंग्स को अवॉइड कीजिएगा. Moreover, 15 to 18 years के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव भी 3rd of January से स्टार्ट होना है, तो अपना वैक्सीनेशन जरूर कराइए. And I will try कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके जो ये 15 to 18 years के एज ग्रुप के लिए जो वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट होना है उसके पूरे स्केड्यूल, उसमें क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या उसके नॉर्म्स रहेंगे, इस पर आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी. सो डिटेल्ड आपके पास उसका आ जाएगा. और अपना वैक्सीनेशन जरूर कराइएगा. प्रिवेंटिव मेजर हम जितने ले सकते हैं, जितने पॉसिबल है, सब लीजिए, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ. सो सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और चैनल के साथ बने रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट विशेस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय.